बुलेटिन का बकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं जलालपुर पीरवाला से, जहां थाना सिटी पुलिस का चक 82 ME मुबैना पुलिस मुकाबला जफरनामी इश्तिहारी मुबैना तौर पर अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। मकतूल अंधे कत्ल का मुलजम था, जो कुछ रोज से पुलिस हिरासत में था। मजीद तफसीलात देखते हैं एंकर पर्सन वजीर कचाला की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला का नवाही इलाका चक 82 ME गैस लाइन नाज अली पर मोड़ पर मुबीना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें हमेशा की तरह साथी की फायरिंग से 35 साल एक शख्स जिसका नाम जफर वल्द खुदा बेग जाँ बहक हुआ, बकौल पुलिस रिकवरी के लिए लेकर जा रहे थे, साथियों ने हमला किया जिसकी गोली से जाँ बहक हुआ। जराए की रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक होने वाला नौजवान पेशावर मुजरिम या रिकॉर्ड याफ्ता नहीं था। जी आपको बताएं पाक पतन से, जहां अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदे गंजशकर की सालाना उसकी तकरीबात का सिलसिला जारी है। जायरीन बड़ी तादाद में बहिश्ती दरवाजे से गुजरने की सआदत हासिल कर रहे हैं। इंतजामिया की जानब से भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं पाक पतन से अपने नुमाइंदे मोहम्मद शकील कादरी की इस रिपोर्ट में। पाक पतन में बाबा फरीद का उर्स जारी, बहिश्ती दरवाजे से गुजरने के लिए हजारों जायरीन पहुँच रहे हैं। एडिशनल डेप्टी कमिश्नर रेवन्यू राना मोहम्मद उमर के मुताबिक सफाई सुथराई और बरसात के पानी की निकासी का अमला 24 घंटे काम कर रहा है। जहाँ तक इंतजाम का ताल्लुक है, इंतजामिया महकमा पुलिस औकाफ और म्यूनसिपल कमेटी पाक पतन शरीफ से मिलकर इस वक्त जायरीन के लिए बहुत ऐसे इकदाम किए हैं। हमने उनके लिए हमने ग्राउटिंग लगाई है जो कि 3 किलोमीटर लेंथ है, उसके अंदर हमने कारपेट का इस्तेमाल किया है ताकि लोगों को नंगे पाँव आते हैं उनको चलने में आसानी हो। इसके अलावा पंखों का इंतजाम किया गया है दरबार के अंदर। वाडा ने उर्स की तकरीबात के दौरान शहर को लोड शेडिंग फ्री करार दे दिया। SE मैपको साईवाल डिवीजन अजमतुल्ला खान का कहना है कि मैपको का अमला बिजली की बिला तत्तुल फरामी के लिए कोशा है। ये उर्स के मौका पर मैं अपनी पूरी मैपको टीम के साथ यहाँ मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिला तत्तुल बिजली की फरामी के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं और लोड शेडिंग फ्री है। एमरजेंसी की सूरत में हमारे पास हर किस्म का मटेरियल अवेलेबल है, तमाम स्टाफ की हम ड्यूटी लगा चुकी है। और एक्सियन साकब सलमान और चेयरमैन वाबडा यूनियन मोहम्मद अहमद मोल अमला के हमरा बरसात के मौसम में बिजली की फरामी को यकीनी बना रहे हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं हुजरा शाह मुकीम में घारा के करीब डाकुओं और पुलिस के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक जबकि 3 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने फरार डाकुओं की तलाश के लिए पूरे इलाका की नाकाबंदी कर दी है। हुजरा शाह मुकीम में पुलिस सब इंस्पेक्टर इंचार्ज चौकी ढिलियाना मलक असलम खोखर और सब इंस्पेक्टर थाना हुजरा शाह मुकीम मार तारक ने दीगर पुलिस अहलकारों के हमरा खतरनाक डाकुओं शफाउल्ला और बदर जमान को रिकवरी के लिए लेकर जा रहे थे कि मुलजमान के साथी डाकुओं ने पुल घारा के करीब अपने साथियों को छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जबकि पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग की जद में आकर गिरफ्तार दोनों डाकू हलाक हो गए, जबकि 3 नामालूम डाकू फायरिंग करते हुए मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने फरार डाकुओं की तलाश में पूरे इलाका की नाकाबंदी कर दी है। SHO थाना हुजरा शाह मुकीम का कहना था कि फरार डाकुओं को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर दें आपको लाहौर से, जहां वैलेंशिया टाउन से सैयद नसीम हुसैन जाफरी के जेर एहतमाम मजलसे अज़ा और शहजादा अली असगर का झूला बरामद हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे शहजाद मलक की इस रिपोर्ट में। जी वैलेंशिया टाउन मकामी इमाम बारगाह में सैयद नसीम हुसैन जाफरी, सैयद जैन अब्बास जाफरी, सैयद मोहम्मद हैदर जाफरी के जेर एहतमाम 6 महरमुल हराम के मौके पर शहजादा असगर अली का झूला बरामद हुआ। इस मौके पर अलामा मोहसिन नासरी ने इनकी शहादत और इनकी तालीमात पर खसूसी रोशनी डाली, जबकि सिक्योरिटी के नहायत सख्त इंतजाम थे। इस मौके पर मोमिनीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अहतमाम पर न्याज का भी अहतमाम किया। जी आपको बताएं कि दीगर शहरों की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी 7वीं मुहर्रमुल हराम हज़रत शहजादा कासम अलमदार अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस एजाज वड़ैच की हवेली से बरामद होकर इमाम बारगाह हुसैनिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। बाद अज़ा मजलिस अज़ा मुनक्कद हुई, नन्हे मुन्ने अज़ादार भी मातम
जारी कर रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन में 7वीं मुहर्रमुल हराम निस्बत हजरत शहजादा कासम अलमदार का मरकजी जुलूस लालाजार से इजाज वड़ाइज की हवेली से बरामद हुआ है। जुलूस में झूला शहजादा कासम और शबीए जुलजना हमरा हैं। जुलूस रवायती रास्तों से गोड़ा रोड कचहरी रोड सदर बाजार से होता हुआ जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया में आकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौका पर मातमदारी नोहाखानी की जा रही है, जबकि नन्हे आज़ादार भी जुलूस में मातमदारी और नोहाखानी कर रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी जुलूस के हमरा मौजूद है। दाखिली और खारजी रास्तों पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। आपको बताएं कि मुहर्रमुल हराम में फूड अथॉरिटी की भी कार्रवाइयां जारी हैं। फूड अथॉरिटी मुहर्रमुल हराम स्पेशल ऑपरेशन टीमों की पकवान सेंटर की चेकिंग जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे शहजाद मलक की इस रिपोर्ट में। जी, सुबह भर में 544 पकवान सेंटर की चेकिंग, नाकस इंतजाम पर 42 पकवान सेंटर को जुर्माने आए, जबकि 485 पकवान सेंटर को मजीद बेहतरी के लिए हदायत जारी कर दी। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जंगीर अनवर का कहना था कि तमाम ऑपरेशनल विंग, वाटर और डेयरी सेफ्टी टीमों को मुहर्रमुल हराम स्पेशल टीमों में तकसीम किया जाएगा। स्पेशल ऑपरेशन टीमें मुहर्रमुल हराम में पकवान सेंटर, लंगर खानों और सबीलों की चेकिंग करेंगे। तमाम बड़े जुलूसों के रास्तों पर लगी सबीलों का मुआयना भी किया जाएगा, जबकि शरबत की सबीलों पर सिर्फ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के पानी के इस्तेमाल के लिए इजाजत दी जाएगी। जी, अफसोसनाक खबर दें आपको समुद्री से, जहां अड्डा सलूनी झाल के करीब गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। गाड़ी में सवार एक शख्स मौका पर जहां भाग, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक गाड़ी सवार अफराद कमालिया से फैसलाबाद जा रहे थे कि हादसा का शिकार हो गए। गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने से एक शख्स मौका पर जहां भाग, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू 112 की टीमों ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों और डेड बॉडी को सिविल अस्पताल समंदरी मुंतकिल कर दिया है। जहां बहक होने वाले शख्स की शनाख्त 34 साल मोहसन के नाम से हुई है, जबकि जख्मियों में 7 साल अब्दुल्ला, 38 साल शबीर और 24 साल अली शामिल हैं।